চা বাগানে বাইসনের হানা। সোমবার সকালে দলছুট একটি বাইসন পথ ভুলে রেতির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বানারহাট ব্লকের দেবপাড়া চা বাগানে ঢুকে পড়ে। বাইসনটি দেবপাড়া চা বাগানে 2532 নম্বর সেকশনে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। চা বাগান কর্তৃপক্ষ বন দপ্তরকে খবর দিলে বিন্যাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার কর্মীরা চা বাগানে আসার পরও বাইসনটি আর চা বাগানে নজরে আসেনি। এরপর বাইসনটি চা বাগানে ঢুকে যাবার আশঙ্কায় বাগানে পাহারা দিতে থাকে। বাইসনটি চা বাগানে থাকায় অংশকায় দিনভর চা বাগানে কিছু সেকশনের কাজ বন্ধ রাখা হয়। तो जब हम 8 बजे आए तो किसी को पता नहीं था जो भाषण आया हुआ है। तो बाद में देखा है जो भाषण आया हुआ है जो ब्लॉक के सामने पुग गया है, जो काम चल रहा है उसी जगह में। तो आदमी लोग सब डर गया, एक साइड हो दिया। उसका बाद में तो भाषण जो है अभी 29-32 की तरफ आया हुआ है। तो इस साइड में जो काम चल रहा था अभी दूसरा साइड में काम ले गया इस साइड का आदमी को, और देख रेख करने के लिए हमारे यहाँ फॉरेस्ट का आदमी लोग भी आए हुए हैं। उन लोग भी 2 गाड़ी आके पहरा दे रहा है। कितना आतंक है अभी बगान में? अभी सभी डरे हुए हैं, बगान के सभी कर्मचारी। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पर छिप गया बैठा हुआ है अभी तक पता नहीं है, कब कहाँ से निकल जाएगा आदमी को इसी मैंने डर है। तो हम लोग का फॉरेस्ट वाला लोग भी आए हुए हैं, उन लोग सभी तरफ नज़र देख रहे हैं कि किधर से निकलेगा आदमी लोग का। सब मैंने सावधान कर रहा है कि रास्ता मत जाइए, इधर मत आइए, ब्लॉक में अभी भाषण है, किधर है। उन लोग का भी नज़र अभी तक नहीं आया है, लेकिन आया था। हम सुबह जब 8 बजे आया तो देखा कि भाषण सामने था, तो हम पीछे पीछे आ रहा था, एक चुपैल का फंस रहा था हमारा। तो अभी तो हमारे यहाँ 25 नंबर ब्लॉक में पूरा जंगल हो गया है, उसी से जब घूरा है तो हम देखने नहीं सका है। कितना ठो था? एक ही ठो था, हमारा नज़र में तो एक ही ठो दिखाई दिया, तो बहुत बड़ा था। तो हमारे देखने के 20-25 मिनट बाद में जो फॉरेस्टरी जब आया तो उन लोग हमको पूछ रहा था कि भाषण किधर गया। तो हमने बोला कि अभी 20-25 मिनट हुआ इधर गया है, हम तो उधर जाने नहीं सका है। तो आपके हिसाब से क्या बागान में है अभी तक? हाँ, अभी तक तो बागान में है, कोई भी छुपा हुआ है? हाँ, छुपा हुआ के चलते। हाँ, आपका नाम, परिचय? मेरा नाम सरवन नाइक। आप क्या करते हैं बागान में? बागान के चौकीदार है हम।